हेलो गाइस, मैं अनुराग, आप सभी का स्वागत करता हूं डेली टेक अपडेट के 45 एपिसोड में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं डेली टेक अपडेट से। पहले अपडेट की तो पहला अपडेट निकल कर आ रहा है, कल ओप्पो ने अनाउंस कर दिया है एक ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स। इन ईयरबड्स का नाम है इको W31। इन ईयरबड्स में आपको नॉइस कैंसिलेशन भी देखने को मिल जाएगा। दूसरे अपडेट की बात करें तो लिनोवो ने एक फोन अनाउंस कर दिया है, इस फोन का नाम है A7। इस फोन में आपको देखने को मिलती है 6.09 इंच की वाटरड्रॉप नॉच वाली डिस्प्ले और इस फोन में आपको 4000 एमएएच की बैटरी देखने को मिल जाएगी। पीछे की तरफ दो कैमरे जो कि 13+2 मेगापिक्सल के होने वाले हैं। फ्रंट में 5 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप और रिमूवेबल बैटरी देखने को मिलेगी बहुत टाइम बाद किसी फोन में। पता नहीं इस फोन को लिनोवो इंडिया में लॉन्च करेगा या नहीं, अगर करेगा तो आप लोगों को मैं डेली टेक अपडेट में बता दूंगा, इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए डेली टेक अपडेट के लिए। तीसरा अपडेट आ रहा है एलजी की तरफ से। एलजी ने एक फोन लॉन्च कर दिया है फोल्ड 2 नाम से, जो कि एक कीपैड वाला फोल्डेबल फोन है। इस फोन में आपको देखने को मिलेगी 2.8 इंच की एलईडी स्क्रीन, 1GB की रैम, 8GB की इंटरनल स्टोरेज, बढ़ाकर 32GB तक कर सकते हैं और इसमें देखने को मिलेगा स्नैपड्रैगन का 210 प्रोसेसर और 1470 एमएएच की बैटरी देखने को मिल जाएगी। और इस फोन की कीमत की अगर बात करें तो इसको कोरिया में लॉन्च किया गया है, मतलब साउथ कोरिया में, जो कि 17 अप्रैल से बिकना स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम इस फोन के प्राइस की बात करें तो यूएस में इस फोन का प्राइस है $162, कम से कम $162 अगर इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो 12,000 के ऊपर आएंगे ये। चौथे अपडेट की बात करें तो मोटोरोला का शेड्यूल फ्लैगशिप फोन लॉन्च कर सकता है मोटोरोला 22 अप्रैल को, और इसी के साथ में इसकी एजेड जो सीरीज आने वाली थी उस सीरीज को भी लॉन्च कर दे तो बहुत ही अच्छा है। इसकी एजेड सीरीज के एक फोन के बारे में हमने बात की है, अगर आप लोगों को उस वीडियो को देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से जाकर उस वीडियो को जरूर से देखिएगा। पांचवी अपडेट की बात करें तो नूबिया रेड मैजिक 5G जो कि फोन लॉन्च किया गया था चाइना में, उस फोन को 21 अप्रैल को ग्लोबली लॉन्च कर दिया जाएगा। फोन के बारे में भी आपको एक डिटेल्ड वीडियो मैंने बना कर दिया था, लेकिन अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो जरूर से देखिए उस वीडियो को, और अगर देखना है तो मैं आप लोगों के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। छठे अपडेट की बात करें तो ओप्पो A92s 5G फोन के स्पेसिफिकेशन निकल कर हमारे सामने आ गए हैं और इसका कंफर्म हो गया है कि कैमरा इसमें किस तरीके का होने वाला है। इस फोन के स्क्रीन साइज की अगर बात करें तो 6.57 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले आपको देखने को मिल सकता है, जो कि 120 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले होगा और MediaTek का इसमें डायमेंसिटी 800 चिपसेट लगाया गया है। और इस फोन में आपको रियर में क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा और फ्रंट में ड्यूअल सेल्फी कैमरा मिलेगा आपको। इस फोन की कैमरा डिटेल्स की बात करें तो 48 मेगापिक्सल का सोनी का IMX586 सेंसर वाला कैमरा देखने को मिलेगा मेन कैमरा, उसी के साथ में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस और 2 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट लेंस। इसी के साथ में इसमें सेल्फी कैमरा देखने को मिलेंगे, 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलेगा, उसी के साथ में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। सातवें अपडेट की बात करें तो रेजर ने अनाउंस कर दिए हैं पोकेमोन पिकाजू ट्रू वायरलेस ईयरबड्स, और इन ईयरबड्स का मुझे चार्जिंग केस बहुत ज़्यादा पसंद आया, इस पोकेबॉल के अंदर रखना पड़ेगा और वैसे ही ये चार्ज होने लग जाएंगे इसके अंदर जाते से ही। हाँ तो गाइस, आज के अपडेट यहीं पे ख़त्म होते हैं। अगर आप लोगों को मेरे अपडेट पसंद आए हैं और आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, कुछ सुझाव है तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, साथ ही में वीडियो को लाइक।